हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आपका और हमारे इस वीडियो में लाइव में आया हूं दोस्तों। यहां पे गौरा बादशाहपुर में जौनपुर के इलाके में बहुत ही खास जगह है जहां पे ग्रामीण द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर था। शिव मंदिर दिखा दीजिए किस तरह से है। और इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराए हैं बाबा बंगाली जी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आजकल पूजा पाठ होता है और धार्मिक स्थल बन गया है। तो देखते रहिए, अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं किस तरह का है। इसमें आपको व्यू देखने को नज़र आएगा। यहाँ पे भगवान जी का मंदिर स्थापित किया गया है और इसमें खास करके बाबा बंगाली जी का पूरा स्रोत है। बाबा बंगाली जी के पास और आप जो साक्षात देख रहे हैं यही है बाबा बंगाली जी, उन्होंने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो बाबा जी आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 7 महीना हो गया हमें यहाँ। तो बाबा जी को 7 महीने हो गए हैं और यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हुए हैं आप? हम इस उद्देश्य से आए हैं कि जब हम आते हैं यहाँ गाँव वाले जो नुकसान कर देते हैं, तो जब महादेव हमें बताते हैं कि हमारे मंदिर पे नुकसान हो गया है, तो फिर हम आते हैं हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में, जब ये कह दें तो आके उस चीज़ का मैं मरम्मत करवा देता हूँ या तो नया बनवा देता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। तो ये आम जनता सोचेगी कि बाबा जी को महादेव के उपदेश किस तरह से मिलते हैं, तो इसके पीछे क्या साक्ष्य है? मतलब कोई सिद्धि प्राप्त है या? हमको हमारे पिताजी भी तांत्रिक थे और हमारे दादा भी थे, मतलब 5 पीढ़ी हमारी तांत्रिक विद्याओं में चल रही है। और ना ही हम भूत प्रेत को मानते हैं, ना ही हम भगवान को मानते हैं। जो हमारे पास भगवान आते हैं हमें बताते हैं कि बेटा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं करता हूँ, चाहे मेरे पास पैसे रहे चाहे उधार लेके, कैसे भी मैं करता हूँ। जो भगवान मेरे पास नहीं आते हैं मैं उनको कुछ नहीं करता हूँ, ढोंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं पूजा पाठ किसी मंदिर में करता हूँ। एक मिनट, आप बोले कि ढोंग नहीं करता हूँ। हाँ, जैसे मैं ढोंग नहीं करते हैं, इन्होंने बोला कि ढोंग नहीं करते हैं। और ढेर सारे बाबाओं को आपने देखा होगा जो ओझा सोखा होते हैं, वो घर में नींबू और क्या क्या चीज़ें करते हैं, साथ में गरीबों को लूटते हैं। तो आप गरीबों से क्या लेते हैं? अगर उनकी रक्षा करते हैं या उनको भूतों से बचाते हैं तो क्या लेते हैं? अगर वो भूत प्रेत से ज़्यादा वो लोग परेशान हैं तो 2 नींबू और 5 लवंग और थोड़ा सा कपूर, बस कहीं भी रहे मैं उसको सही कर दूँगा। अगर कोई भी तांत्रिक ओझा बताता है कि आपके घर में भूत नहीं है, है अभी, तभी आप परेशान हो, तो उस तांत्रिक से डायरेक्ट मुझसे बात कराइए, मैं उसके भूत मांगूंगा। अगर वो भूत नहीं देगा तो फिर मुझे जो समझ में आएगा मैं उसको भूत दूंगा, या तो वो दे या तो ले, नहीं तो सीधा कह दे कि इसके घर में भूत प्रेत या कोई समस्या नहीं है। तो आप कोई पैसा नहीं लेते? नहीं, मैं तो दोस्तों यहाँ पे आप आकर गौरा बादशाहपुर हमारा जो शिव जी का मंदिर पड़ता है यहाँ पे आप आएंगे, बाबा बंगाली जी हैं जो आपको भूत प्रेत ग्रीक लेस या किसी भी बाधा से आपको मुक्त कराएंगे। और इनको प्राप्त है सिद्धि जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से, कह सकते हैं इनको बंगाली बाबा, इसीलिए इनका नाम पड़ा हुआ है। और काफ़ी दर्शक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से गांव का पूरी तरह से सभी लोग अपनी परेशानियों को लेकर आए हुए हैं और पूरी तरह से अगर समस्या का समाधान न हो तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। और वाकई बाबा जी से सभी लोग फ़ायदा मिलता है। तो भैया क्या आपको फ़ायदा मिला है बाबा जी से? जी, रक्षा करते हैं गांव का। जी जी। अच्छा, कई लोगों का उद्धार किया देखा है आपने? हम तो मान लो प्रदेश रहते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ देखे हैं मंदिर पे, तो सब कुछ मान लो काम कराए हैं। तो काम कराए हैं, यानी कहने का मतलब आपका है कि आपने इनका नाम सुना, प्रदेश रहते हुए भी जाने की बाबा बंगाली आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, बाबा बंगाली जी कब से आए हुए हैं? मंदिर के काम कराए हैं, मान लो हो गया इनको जो है कि 5-7 महीना। अच्छा, तो इस तरह से देखिए मंदिर का व्यू देखिए। यहाँ पे पहले पूजा भी नहीं हुआ था क्योंकि जीर्णोद्धार कराने के बाद यहाँ पे एक भक्ति की लालसा जो है उमड़ आई है। यहाँ पे देखिए गांव के सारे जो हमारे स्त्री लोग हैं, लक्ष्मी कही जाती हैं, वो भी पूजा पाठ में व्यस्त हैं। यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, आप देख सकते हैं जुम्मे। तो आपको ये जो हैंडपंप भी दिखा है वो बाबा बंगाली का ही देन है, यानी कि जल कल से लेकर सारी सुविधाओं को इस गांव में इन्होंने मुहैया कराया हुआ है, आप देख सकेंगे। क्योंकि बिना, अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ भी, आप देखिए कितना भजन कीर्तन हो रहा है।
इधर लिखा था, ये मंदिर में आप लोग कब से भजन करते हैं? बाबा बंगाली जी का यहाँ पे कुछ रोल है मतलब? बाबा बंगाली जी का तो बहुत से यहाँ पर है या बहुत से दिखा दिया बंगाली बाबा। क्या अंतर है जैसे पहले में और बाबा बंगाली? बाबा बंगाली के आने से हम लोगों के बहुत खुशी हो गई और बहुत अच्छा भी काम किया। बहुत साधु संत भी यहाँ पे आए है चला गए हैं लेकिन बंगाली बाबा इतनी तो किसी ने किया। बंगाली बाबा स्वर्ग क्या? बंगाली बाबा स्वर्ग बनाए दाना है, स्वर्ग बना दिए हैं बंगाली बाबा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दिलों पे छा चुके हैं बाबा बंगाली जी। आइए थोड़ा इधर दिखाइए तो अभी बात करते हैं। तो आप भी बताइए कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तबीयत इनका सही नहीं है फिलहाल। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में और ढेर सारे प्यार दुलार इस गांव और एरिया से मिला। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाबा बंगाली जी का मेन उद्देश्य है कि हर गांव में जहाँ पे भक्ति भावना की जो है ठेस वजह नहीं है वहाँ पे ठोस वजह बनाया जाए और हर जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम हैं बाबा बंगाली और जैसे मैं यहाँ शुभ कार्य करता हूँ, भूत प्रेतों को भगाता हूँ, तो ऐसे और भी तांत्रिक हैं हिंदुस्तान में, मैं अकेला नहीं हूँ। तो वो लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा, आप लोग भी कुछ अच्छा कार्य करें ताकि कोई मंदिर गंदा हो या कोई गांव मजबूर हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा मतलब बनवा दें, क्योंकि भगवान की ही वजह से आप लोग सबको ठीक करते हो। जो भी लोग आते हैं जैसे भगवान को आप मनाते हो तभी तो लोग ठीक होते हैं, लेकिन अगर वही भगवान अगर कचरा में है या गंदगी में है तो आप लोग उनको थोड़ा अच्छा बनाइए। और हम आप लोगों से ही निवेदन करते हैं और हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। और हमारा निःशुल्क सेवा बाबा बंगाली यूट्यूब चैनल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर यदि अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी या वो जहाँ तांत्रिक आपके घर में बता रहा है भूत प्रेत है अकाल मृत्यु है कोई भी है तो आप हमसे निःशुल्क आप हमसे उसका जवाब पा सकते हैं आपके घर में है या नहीं है। यदि अगर हमने कह दिया नहीं है तो अगर कोई भी तांत्रिक ओझा मौलवी मौलाना अगर आपको बताता है कि आपके घर में भूत है तो बाबा बंगाली को याद करिए, बेटा समझ के याद करिएगा, तांत्रिक समझ के नहीं। तांत्रिक समझ के याद करेंगे तो 50,000 फीस लेंगे हम। और उसके बाद अगर कोई भी ओझा अगर कह दिया आपके घर में भूत है तो वो हमें देगा, मैं उसको 50,000 रुपये अपनी तरफ से दूंगा। और अगर हमने कह दिया नहीं है तो नहीं है, आप लोग चाहे मेरी बात समझें और चाहे ना समझें। भगवान अगर आपसे कहें कि इस मंदिर में आओ तो आप लोग जाइए, उन लोगों को खुद भोग मांगेंगे। अगर आपका सच्चा दिल है ना तो भगवान खुद मांगेंगे आपसे, जैसे कि मैं मुझसे कहते हैं बेटा आज इस मंदिर में आओ तुम अपना कुछ योगदान कर दो तो मैं आता हूँ। और देखिए यहाँ के श्री महाराज गए थे मेरे पास और मैंने इतना कार्य किया है, आप लोग चाहें तो गाँव वालों से पूछ भी सकते हैं। और जय महाकाल, आप लोग सदा सुनते हैं हमारा यही आशीर्वाद रहेगा।